देश के साहित्यिक मित्रों, आपका ध्यान मैं इटावा के नुमाइश मैदान पंडाल में लगे राष्ट्रीय पुस्तक मेला में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, दुनिया को जानने समझने के लिए हमें किताबों की आवश्यकता पड़ती है। मैं निखिल प्रकाशन समूह के निदेशक श्री मोहन मुरारी शर्मा जी का एहसानमंद हूँ कि इन्होंने देश के समस्त जिलों और राजधानी मंडल आदि स्थानों पर जो मेले लगते हैं वहाँ पहुँचकर अपनी पुस्तकों को सभार प्रदर्शन करते हैं, लेखकों को बुलाते हैं, सम्मान करते हैं और बहुत सस्ते मूल्य में पाठकों को पुस्तक उपलब्ध कराते हैं। मैं आपका भी हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, अपरिहार्य कारणों से ये मेरी भी कविता भाग चार इस पंडाल में रहना चाहिए, लेकिन नहीं आ सका है। मैं क्षमा चाहता हूँ और यह निवेदन करता हूँ कि अब लगभग एक महीने के अंदर सभी पाठकों के समक्ष मेरी कविता भाग चार उपलब्ध रहेगी। मेरी भी कविता भाग चार किसानों पर केंद्रित है, उसके पहले पर्यावरण पर भाग तीन ये केंद्रित रहा और भाग एक और भाग दो भी तमाम बिंदुओं को लेकर, प्रश्नों को लेकर वैचारिकी के रूप में साहित्यिक जगत में छाया रहा। हम आप सबका पुनः अभिनंदन करते हैं इस सहयोग के लिए। मेरी भी कविता के पाठकों को विशेष रूप से मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।